जैसे जो गीला गीला दिख रहा है ना, इसी को मतलब घर में ले जाया जाता है। उसके बाद इसको सूखा लिया जाता है, उसके बाद फिर उसको पुताई के लिए उपयोग किया जाता है। पहले के टाइम पे जो मिट्टी है ना, उसको पुताई के लिए मतलब हर एक घरों में उपयोग किया जाता था गाँव में। भाई चश्मा भी लगाए हुए हैं, धूप कर नहीं रहा यार, फिर भी ज़बरदस्ती लगा रखी है। ऐसा इतना इतना गहरा देख पा रहे हैं, यहाँ पानी निकल गया पहले से ही, मछली भी पल गया पहले। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम लोग जा रहे हैं खेलने, देख पा रहे हैं सभी लोगों ने ड्रेस पहन के रखा है क्योंकि पास में है ना वो गांव, इसलिए पहले से हम लोग ड्रेस पहन के जा रहे हैं आज। और मेरे साथ में अभी फिलहाल जो हमारे मोस्ट प्लेयर हैं इधर पे नन्नू और मान सिंह कामता, और इधर साइड में छोटू और सूरज। तो हम सभी लोग अभी जा रहे हैं खेलने, और आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आज हमारा एक क्वार्टर फाइनल मैच है। इससे पहले हम लोगों का एक लीग मैच था जिसमें हम लोगों ने जीत हासिल कर लिया था, उसके बाद आज हम लोग का मैच है लगभग एक सप्ताह बाद। तो उससे पहले अभी हम लोग एक जगह पर जाएंगे जहाँ पर बन रही है तालाब, तो वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको कि तालाब कैसे बन रहा है। क्योंकि वहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि उस जगह पे जो गांव में उपयोग किया जाता है पुताई के लिए मिट्टी, काली मिट्टी, तो वो निकला हुआ ऐसा बोल रहे थे मम्मी लोग मुझे। तो मैंने सोचा कि जाके वहाँ भी एक बार आपको दिखाऊं, क्योंकि मेरा मकसद होता है आपको सही जानकारी प्रोवाइड कराना गाँव में जो चीज़ होता है वो सारी चीज़ें। तो अभी मैं आपको लेके चलूँगा उस जगह पर जहाँ पर बन रहा है तालाब, तो दिखाऊंगा मिट्टी किस प्रकार का होता है जिसको पुताई के लिए उपयोग किया जाता है। और ये सब चीज़ें जो हमारे गांव की आदिवासियत का जो कल्चर होता है उसके अनुसार में जो पुताई उताई होता है ना उसमें देखने को मिलता है। वैसे आजकल ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलता है, और पहले के टाइम पे क्या होता था जैसे रेड येल्लो और जो ब्लैक कलर की मिट्टियाँ होती है ना उनको पुताई के लिए बहुत ही खास रूप से उपयोग किया जाता था। तो देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे तालाब बन रहा है, और गाड़ी गाड़ी कहाँ पे चढ़ी हुई है आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे चढ़ के जो नीचे मिट्टी है ना इसको खींच रहा है, और ऊपर से जो ऊपर पे वो मेड़ बना रहा है ना वो ऊपर में चढ़ के देख पा रहे हैं। और ड्राइवर भाई साहब को देख लीजिए आप, बड़े मस्ती से चला रहा है भाई, एक्सपीरियंस फुल है ना, फुल एक्सपीरियंस है जिसका उपयोग वो कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई साहब आप देख पा रहे हैं ना जो कलर मिट्टी दिख रही है काले काले कलर की, ये देख लीजिए जैसे जो गीला गीला दिख रहा है ना, इसी को मतलब घर में ले जाया जाता है, उसके बाद इसको सूखा लिया जाता है क्योंकि इसका कलर आप देख लीजिए कितना ब्लैक ब्लैक है। हो सकता है अभी मतलब मोबाइल से आपको उतना ज़्यादा स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, बट बहुत ज़्यादा काला है भैया देख पा रहे हैं। तो इसी को मतलब घर में ले जाके इसको सुखाया जाता है, और उसके बाद फिर जब सूख जाता है ना उसके बाद फिर इसको पुताई के लिए उपयोग किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार की होती है मिट्टी जिसको गाँव में पुताई के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि मतलब ज़मीन जैसे जो फर्श होता है ना उसको भी पुताई किया जाता है, और कभी कभी मतलब दीवार में भी उपयोग किया जाता है ऊपर साइड में। तो अभी वाली मिट्टी देख लीजिए, और यहाँ पे जितना भी मिट्टी दिख रहा है पूरे ब्लैक कलर की है, ये देख लीजिए आप। पर ऐसा नहीं है जो जैसे कुदर भी है ना तो उसको मतलब पुताई के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ये है देख लीजिए अब इसका कलर है उसका कलर देखिए बहुत ही डिफरेंस है भाई। तो वो वाली मिट्टी नहीं बल्कि जो ये मिट्टी दिख रही है ना ब्लैक ब्लैक कलर की, इसको उपयोग किया जाएगा पुताई के लिए। तो यहाँ से मतलब अभी लेके गए हैं कुछ लड़कियाँ जो बाहर से आई थी एक से, तो यहाँ पास भाई साहब लगे हैं अकेले, और अभी अकेले मतलब जो ड्राइवर हैं वो अकेले लगे हुए हैं, और इनका जो काम है वो काफ़ी बड़ा है। अभी देख पा रहे हैं आप यहाँ से लेकर पूरा जो आगे दिख रहा है पेड़ वहाँ से ऐसे इधर साइड मतलब पूरा जो जगह है इसको पूरा खोदेंगे, ऐसा इतना इतना गहरा देख पा रहे हैं। यहाँ पानी निकल गया पहले से ही, मछली भी पल गया पहले। और यहाँ मतलब मछली पालेंगे जो बनवा रहे हैं ना, ये मतलब गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है जमीन वालों को, तो भैया को मिला है यहाँ पे ठेका काम करने का। तो ये पूरा मतलब जगह को तालाब के रूप में परिवर्तन करके फिर देंगे जो मैं इसका इंजीनियर होगा उसको। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पानी निकल गया भाई, मतलब इतना कम गहरा में आ रहा है देख पा रहे हैं पानी निकल गया, ये बहुत ही खुशी की बात है। नहीं उतना तो गहरा है नहीं देख लीजिए आप, क्योंकि तालाब बहुत गहरे होते हैं फिर भी पानी नहीं निकलता है, पर यहाँ कम गहरा है फिर भी पानी निकल गया है। तो दोस्तों क्या होता था कि पहले के टाइम पे जो मिट्टी है ना उसको पुताई के लिए मतलब हर एक घरों में उपयोग किया जाता था गांव में, क्योंकि ऐसी हमारी जो संस्कृति होती थी उसी के अनुसार ये सब चीज़ें किया जाता था। पर अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है तो ये सब चीज़ें देखने को कम मिलता है। तो चलिए ठीक है हम लोग चलते हैं अब खेलने। तो मेरे साथ देख पा रहे हैं आप ऐसे ऐसे पोजर हैं भाई, चश्मा भी लगाए हुए हैं, धूप कर नहीं रहा यार फिर भी ज़बरदस्ती लगा रखी है।
तो ये सब ट्रेंड चलता है ये आजकल किसी भी गांव का हो। तो ठीक है चलिए चलते हैं, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, मैच कैसा होगा ये सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में, और कौन कितना स्कोर कर पाएगा हम सभी लोगों में से ये मैं आपको बाद में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि क्या होता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं उधर इधर का जो सीन है कुछ इस प्रकार का है, और ये वाला जंगल दिख रहा है ना इसके साइड में हमारा गांव है इधर साइड पे, तो हम लोग आए इधर से और ये जंगल मतलब जंगल के जस्ट किनारे से हमारा गाँव है, उसके बाद जंगल पड़ता है जस्ट जंगल के यहाँ पे हो रहा मैच यहाँ पास, तो हम लोग को जाना है ऐसे घूम के वहाँ पास रास्ता है क्योंकि यहाँ पे खेत देख पा रहे हैं आप। तो मौसम कितना अच्छा है आप देख पा रहे हैं, आज बहुत ही अच्छा मौसम है भाई, कितना प्यारा प्यारा लग रहा है ना जी, प्यारे लग रहे हैं बादल देख पा रहे हैं प्यारे, ये कि कुछ जो बादल हैं आसमान में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और खासकर ये पहाड़ और यहाँ पे हो रहा मैच। तो चलिए चलते हैं, और इधर साइड पर भी एक पहाड़ देख लीजिए जो बड़ा सा पहाड़ है ये, तो ये वाली जो गांव है ये है जरी, तो हो रहा है जरी पे मैच, और हमारा जो गांव है इधर पीछे साइड पे इधर साइड पे परसेल, तो ये तीन चार गांव के बीच में पड़ता है ये वाला पहाड़, तो काफ़ी ज़्यादा हाइट है पहाड़ का, एक का दफा ऐसा होगा जब मैं आपको ऊपर लेके चलूँगा ठीक है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं ग्राउंड, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे मैच भी स्टार्ट हो चुका है शायद, और हमारे गाँव के लड़के पता नहीं किस साइड पे है, तो देख पा रहे हैं मैच स्टार्ट हो चुका है, तो भीड़ बहुत कम रहता है यार, और हमारे जो सर हैं पहले आ गए थे बाइक से आते हैं भाई, अरे वाह है तो बोल दे, तो सर बाइक से आ गए थे हम लोग हैं पैदल। तो देख पा रहे हैं अभी मैच स्टार्ट हो चुका है, कहाँ कहाँ चल रहा है भाई, कहाँ कहाँ चलते रही और मोहारी कितना भर पाँचवा है छत है करना चाहिए और चल रे बाउंड्री लगा यार पटरम नहीं बात कर जब ये इसका जान दे जान दे जान दे बता रहा ना चार मार के जी जाए पूछ के आओ रे पूछ के रे पूछ के आओ जाओ सब चारन भी बाउंस भी है सब अबीरो तो मैच जीत गए। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने मैच जीत लिया है, और ये दिख रहा टकला मुंडा साला बहुत कैच छोड़ा आज, ए भाई मोर धारक को गेंद नहीं आया। तो ठीक है चलिए आज के ब्लॉग को ही पिंट करते हैं, क्योंकि कल भी हमारा मैच है सेकंड क्वार्टर फाइनल मैच, तो कल भी आना है, तो आज के ब्लॉग को ही पिंट करते हैं। तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।